आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम फोटोशॉप के सिमेट्री टूल्स का उपयोग करके डिफरेंट टाइप के मंडल डिजाइंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, फाइल न्यू। आप इमेज का कोई भी साइज ले सकते हैं, रेजोल्यूशन कुछ भी सेट करें, बैकग्राउंड आपको ब्लैक रखना है और इसके बाद में आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। कंट्रोल जीरो प्रेस करके हम इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। इसके बाद में आपको एक न्यू लेयर बनाना है, ब्लैंक लेयर। तो यहाँ पे हम क्लिक करके एक न्यू ब्लैंक लेयर बनाते हैं। अब हम इस पे डबल क्लिक करते हैं ताकि हम इसके लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकें। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट ओवरले को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ब्लेंड मोड को आपको नॉर्मल रखना है, ओपेसिटी 100%। और ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट में आपको लीगेसी ग्रेडियंट्स ओपन करना है। और यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम का ग्रेडियंट है इसको सेलेक्ट कर लेना है और एंगल आपको 0 डिग्री रखना है और स्केल आपको 100% करना है। इसके बाद में ओके प्रेस करना है। अब हम सेलेक्ट करते हैं पेंसिल टूल को। पेंसिल टूल को सेलेक्ट करेंगे और पेंसिल टूल में इसकी साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी साइज 5 पिक्सल सेट करता हूँ और हार्डनेस आपको 100% रखनी है, ओपेसिटी भी आपको 100% रखनी है और स्मूथिंग भी आपको 100% रखनी है। इसके बाद में यहाँ पे ये जो बटरफ्लाई का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, रेडियल और मंडला। ये दोनों ऑप्शन फोटोशॉप के 2019 और उसके बाद के वर्जन्स में ही अवेलेबल है, इससे पुराने वर्जन में ये ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम रेडियल को चेक कर लेते हैं। तो हम रेडियल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये जो सेगमेंट काउंट है, इसमें हम सेगमेंट कितने भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे 12 सेगमेंट सेट कर देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हम ड्रा करेंगे उसकी ये 12 कॉपी एक साथ ड्रा होंगे। तो एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम ड्राइंग शुरू करते हैं, सेंटर से ही कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो भी हम ड्रा करते हैं उसकी 12 कॉपीज ड्रा होती है। आप यहाँ पे हाइड सिमेट्री कर सकते हैं और इस प्रकार से आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं और इस बार हम यहाँ पे ये जो मंडल ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करते हैं और सेगमेंट काउंट हम 10 सेट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सेम रेडियल की तरह हम जो भी बनाएंगे उसकी 10 कॉपीज बनेंगी, लेकिन इसमें हम जो ड्रा करेंगे पहले वो फोटोशॉप उसको मिरर करेगा और फिर ड्रा करेगा, मतलब डबल ड्रा होगी। तो आप हम एंटर प्रेस करते हैं और ड्राइंग शुरू करते हैं सेंटर से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम जो भी ड्रा करते हैं पहले फोटोशॉप उसको मिरर करता है और इस प्रकार से डबल ड्राइंग करता है। आप ड्राइंग जरूरी नहीं कि सेंटर से ही शुरू करें, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे यहाँ से बीच से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आप हाइड सिमेट्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग डिजाइन ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक डिजाइन के ऊपर दूसरी डिजाइन भी बना सकते हैं, वो भी अपोजिट कलर में। तो यहाँ पे हम एक न्यू लेयर ओपन करते हैं और इसकी ये जो लेयर स्टाइल है इसको हम कॉपी करते हैं। एल्ट बटन प्रेस करके ये जो एफएक्स है इसको हम ऊपर ड्रैग कर देते हैं। तो इसकी ये जो लेयर स्टाइल है सेम ऊपर वाले लेयर पे भी कॉपी हो जाएगी। तो डबल क्लिक करके हम इसके लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। ग्रेडियंट ओवरले में जो भी है यहाँ पे ग्रेडियंट, हम यहाँ पे इसको रिवर्स कर देते हैं और ओके प्रेस करते हैं। इसके बाद में हम जाते हैं मंडल
सेगमेंट काउंट ओके, और अब हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फोटोशॉप के सिमेट्री टूल्स को यूज करके आप अलग अलग डिजाइन्स के मंडल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।